सो हे गाइस, दिस इज मुकेश शर्मा एंड आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई इस टाइम पे अपने सामने खड़ी होने वाली है अपनी i20 S डीजल मैनुअल गाड़ी। तो भाई इस टाइम पे आप लोग चेकआउट कर सकते, कितनी तगड़ी लग रही है भाई। इस टाइम आप लोग चेकआउट एक बारी करें भाई। डीजल की यही लास्ट वेरिएंट आया था 2022 के अंदर, उसके बाद डीजल की गाड़ी अभी तक आई ही नहीं है, मतलब वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है BS6 फेस 2 के अंदर। तो ये BS6 फेस 1 का वेरिएंट होने वाला है। तो 2022 मॉडल गाड़ी होने वाली है, आप लोग को बता दूँ फोर सेल गाड़ी होने वाली है ये। तो कुछ अब शुरुआत कर लेते हैं गाड़ी के इंजन से। तो भाई इंजन 1.5 लीटर का डीजल इंजन गाड़ी के अंदर, फोर सिलेंडर का अपने को देखने को मिल जाता है, इनलाइन फोर सिलेंडर हम लोग कह सकते हैं। एंड बात कर लें अगर गाड़ी के भाई पावर और टॉर्क की, तो अपने को 98 BHP की पावर कार प्रोड्यूस करके देती है एंड 240 NM का टॉर्क, जो कि भाई एक नंबर होने वाला है। और बाकी भाई गाड़ी के अंदर अभी मैं बैठा हूँ और कार ड्राइव करी है, जो इसके स्टेयरिंग की स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं अगर भाई इसकी की ही, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं की से। तो भाई अपने को कार की की से ही देख के पता लग जाता है कार के अंदर अपने को भाई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। और की के अंदर अपने को भाई कुछ चार बटन जिसमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अपने को भाई इसमें लॉक अनलॉक बूट रिलीज एंड अपना हॉर्न का सीन देखने को मिल जाता है। आप लोग को चेकआउट कराऊँ तो ये देखो ये वाला कुछ ऐसा ऐसा सीन अपने को देखने को मिलता है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से कितना क्लियर व्यू इसमें आने वाला है। तो भाई फ्रंट ग्रिल की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर अपने को इसकी ग्रिल देखने मिल जाती है, एकदम ही इसकी शेप चेंज कर दी थी भाई, जो येलो फेसलिफ्ट आया था बिल्कुल बढ़िया कर दी गई थी। एंड बात कर लेते हैं इसमें अपने को हुंडई का लोगो फ्रंट में इस जगह पर देखने को मिल जाता है। हेडलाइट्स की तरफ आ जाते हैं तो भाई अपने को इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स LED वाले देखने को मिल जाते हैं, एंड जो हाई एंड लो में दोनों में यही काम करेंगे। यहाँ पर अपने कॉर्नरिंग लैंप इस जगह पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को इंडिकेटर कार के अंदर हेलोजन वाले देखने को मिल जाते हैं। DRLs कार के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ऊपर की साइड पर यहाँ पर। एंड हेडलाइट्स के अंदर भाई अपने को यहाँ पर i20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसके फ्रंट के लुक्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव से लुक्स हैं कि ऐसे भाई अभी हमारे को गाड़ी खा जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बम्पर में फ्रंट में डिफ्यूज़र की बात करें तो भाई अपने को अच्छा खासा ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल बढ़िया लुक्स दे देता है फ्रंट के बम्पर को। तो आ जाते हैं अब साइड प्रोफाइल की तरफ। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी साइड प्रोफाइल होने वाली है एंड कितनी ह्यूज सी लगती है भाई, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो एरोडायनेमिक्स कार के बनाए गए हैं ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाए गए हैं कि कार जब रोड के ऊपर क्रूज़ कर रही होगी अपनी ज़्यादा हाई स्पीड्स के अंदर, तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली एयर के गस्ट को कट कर सकती है, फिर हम कह सकते हैं काट के आगे निकल सकती है। तो अलॉय व्हील्स अपने को इसके अंदर भाई अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने डायमंड कट होने वाले हैं। एंड जो टायर्स है भाई वो कंपनी से ही आए हुए हैं, 16 इंचज़ के अपने को अलॉय व्हील्स डायमंड कट में देखने को मिल जाते हैं। टायर का सेक्शन जो होने वाला वो होने वाला भाई 195/55 का टायर C8 के कार के अंदर होने वाले। फ्रंट में अपने को डिस्क देखने को मिल जाती है, रियर साइड पर अपने को गाड़ी में ड्रम्स देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड रनिंग बोर्ड्स के ऊपर भाई ये देखो जो क्लाइडिंग है ये भाई पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर होने वाली है। i20 की बैजिंग इस साइड पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, हो जाती है। और बात कर लेते हैं इसमें अपने को भाई क्रोम के डोर हैंडल्स देखने मिल जाते हैं। कीलेस एंट्री भाई जब भी हुंडई ने दी है तो वो हमेशा से भाई एक ही डोर पर दी है, जो कि भाई अपने ड्राइवर साइड के डोर पर है, पैसेंजर साइड पर भी नहीं देते हैं ये लोग। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने को भाई लोअर विंडो गार्निश क्रोम में देखने को मिल जाती है, ऊपर जो अपने डोर वाइजर्स हैं इस पर भी क्रोम का वर्क देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं अगर इसकी ओरवीएम्स की, तो भाई ओरवीएम्स अपने को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विद इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल देखने को मिलते हैं। आप लोग को दिखाई देता हूँ, यहाँ से हमने ऐसे दबाया तो ये देखो भाई खुल गए। LED टर्न इंडिकेटर्स अपने को यहाँ पर प्लेस देखने को मिल जाते हैं। एंड UV कट ग्लास कार के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। एंड भाई रूफ़ की बात करते हैं, रूफ़ पर आप लोग को एक चीज़ दिख गई होगी, वो होने वाली है अपनी सनरूफ, तो उसके ऊपर बाद में आएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखें तो अपने को यहाँ पर भाई शार्क फिन एंटीना कार के अंदर प्लेस देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके की गाड़ी अपने को देखने को मिल जाती है। एंड डीजल की गाड़ी होने वाली है, 1.5 लीटर का इंजन होने वाला, तो कुछ इस तरीके से भाई अपने को इसका फ्यूल रेट देखने को मिल जाता है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर डीजल भी लिखा होने वाला है। इंजन की तरफ भी चलते हैं, उससे पहले आप लोग को दिखा दूँ तो भाई इसके अंदर अपने को 43 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। रियर साइड पर आ जाते हैं तो भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी रियर साइड होने वाली है। तो भाई देखो जो ये टेल लैम्प्स आए थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रहे थे भाई, जिस टाइम पे गाड़ी आई थी, जो इसके प्रोमो वगैरह आ रहे थे TV के ऊपर, तो भाई उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसके अंदर डार्किश की कर दिया गया था। यहाँ पर भी अपने को i20 की बैजिंग देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से अपने को पूरे कनेक्टेड इसके भाई टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक्स देते हैं। LED के अंदर अपने को यहाँ पर डिफ्यूज्ड फोम के अंदर इसमें स्टील वाले लैम्प्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपने हेलोजन के अंदर इसका भाई ब्रेक लैम्प, यहाँ पर अपने को इंडिकेटर हेलोजन एंड रिवर्स लैम्प भी हेलोजन में देखने को मिल जाता है। i20 की बैजिंग, दो पार्किंग सेंसर अपने को रियर में देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पर कैमरा प्लेस देखने को मिल जाता है रियर में,
तो भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश अपने को यहाँ पर देखने मिलती है। डीफोगर वाइपर कार के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। स्पॉइलर की कमी रखी गई है बट यहाँ पर हाई माउंट लैंप जरूर दिया गया है। बूट में आई गए हैं तो भाई बूट स्पेस की बात कर लेते हैं गाड़ी के। तो पार्शियल ट्रे सबसे पहले आने वाली है, यहाँ पर कवरिंग हो जाती है। एंड बात करते हैं यहाँ पर बूट स्पेस की, तो भाई बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया गया। इस साइड पर अपने को भाई बॉस का सिस्टम कार के अंदर लगा हुआ देखने मिलता है। यहाँ पर सब वूफर प्लेस्ड होने वाले हैं। एंड बात करते हैं इधर की, तो टायर की स्टेपनी की, तो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर अपने को ब्रिजस्टोन का इसमें देखने को मिल जाता है। मतलब ब्रांड न्यू भाई बिल्कुल बढ़िया गाड़ी अपने को देखने को मिल जाती है। अगर कोई लोग प्लान कर रहे हैं डीजल की i20 लेने का तो यहाँ पर अपने वैसे अवेलेबल होने वाली है। नीचे की तरफ नंबर वंबर आ रहे होंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। रियर में डिफ्यूज़र अपने को पियानो ब्लैक फिनिश का देखने को मिल जाता है। दो अपने को इसके अंदर भाई लेटरली प्लेस किए गए जो अपने रिफ्लेक्टर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं अगर हम लोग भाई ड्राइवर साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी ड्राइवर साइड प्रोफाइल होने वाली है। और वहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक अपने को यहाँ पर इसमें भाई क्रोम देखने को मिल जाता है। अब लेके चलता हूँ अगर आप लोग को इंटीरियर साइड की तरफ, तो आप लोगों को दिखाऊँ भाई इंटीरियर के अंदर अपने को अच्छा खासा इसमें डोर पैनल देखने को मिल जाता है। 1 लीटर का बोतल होल्डर अपने को डोर पॉकेट में देखने को मिल जाता है। सिल्वर फिनिश इस जगह पर देखने को मिल जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर इसके भाई डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। बॉस का स्पीकर इस जगह पर प्लेस होने वाला है। एंड आप लोग को इसकी भाई अगर साउंड सिस्टम की आवाज़ सुननी हो तो आप लोग भाई जल्दी से जाएं, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, नीचे की तरफ आईडी वगैरह आ रही होगी और उसके ऊपर जल्दी से मैं इसकी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। तो ये देखो भाई अच्छी खासी इसके अंदर अपने को रियर साइड पर देखने को मिल जाती है कंफर्ट, अपनी थाई सपोर्ट एंड अपनी बैक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें देखने को मिलती है। चार अपने को इसके अंदर हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, चारों ही एडजस्टेबल होने वाले हैं। एंड बात कर लेते हैं इधर रियर में भाई जो बीच में अपने को यहाँ पर भाई इसमें सिर्फ अपने आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। कप होल्डर्स की कमी रखी गई है और अपने फैब्रिक के अंदर इसकी सीट कवर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बैठ जाते कार के अंदर तो भाई आप लोगों को दिखाऊं, ये जो आगे वाली सीट है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस टाइम पे एडजस्ट हो रखी है एंड जो कि एकदम बढ़िया यहाँ पर मेरे को इसमें लेग रूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने को भाई इसमें दो AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस, उससे नीचे अपने को USB का ऑप्शन चार्जिंग वाला देखने को मिल जाता है। रियर से बैठ के अगर फ्रंट साइड का लुक दिखाऊं तो कुछ बढ़िया इसका इंटीरियर अपने को डिज़ाइन कर दिया है। ये थोड़ा थोड़ा सा वरना से अपने को इंस्पायर देखने को मिल जाता है जो नई वाली वरना आई है। यहाँ पर हेलोजन में एक कैबिन लैम्प देखने को मिल जाता है। सनरूफ एकदम बढ़िया इसमें देखने को मिलने वाली है। अब आप लोग को लेकर चलता हूँ अगर यहाँ से सीधा आगे की साइड आ चुके हैं तो भाई यहाँ पर डोर पैनल की बात करते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, ORVM के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। वही सेम लुक है, यहाँ पर डोर पॉकेट थोड़ी बड़ी दी गई है। यहाँ पर भी 1 लीटर का बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है। इधर अपने को बॉस का स्पीकर प्लेस देखने को मिल जाता है। सीट्स की बात करते हैं, हाइट एडजस्ट भी रिक्लाइनर वाली सीट्स देखने को मिल जाते हैं। थाई सपोर्ट बैक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम बैठ जाते हैं कार के अंदर की साइड पर तो सबसे पहले कार ऊपर लेते हैं भाई यहाँ से स्टार्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही वाली है, डीजल गाड़ी है तो भाई एक सेकंड में स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसको म्यूट कर देते हैं। एंड यहाँ से बात करते हैं इधर अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 व्यू कैमरा एंड अपना यहाँ पर हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है। AC वेंट कुछ इस तरीके का लिटरली प्लेस करके दिखाया गया है एंड दिया गया है। ट्विटर इस जगह पर प्लेस होने वाले हैं, ये चीज़ मैं स्किप कर चुका हूँ। स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं और थोड़ी सी सीट होकर लेते हैं पीछे। एंड स्टेयरिंग व्हील अपने को राउंड देखने को मिल जाता है, वही क्रेटा स्टाइल वाला अपने को। इस टाइम पे हुंडई ऑलमोस्ट सारी ही गाड़ियों के अंदर ये वाला अपने को स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन दे रही है। लेदराइट स्टिच्ड अपने को कंपनी से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। भाई 7 एयरबैग कार के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगहों पर स्प्लिट कर हमारे को दिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके के अपने वॉल्यूम रॉकर्स एंड अपने टेलीफोनिक कंट्रोल्स इस साइड पर देखने को मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल इस साइड पर देखने को मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितना बढ़िया होने वाला है। यहाँ पर अपने को इसमें 220 तक की मैक्सिमम डिजिटल स्पीड देखने को मिल जाती है। इस साइड पर अपने को 6000 RPM तक मैक्सिमम देखने को मिल जाते हैं। एंड बीच में छोटी सी MID है पर ये पूरी की पूरी डिजिटल है भाई, सारा का सारा सीन डिजिटल है। RPM उठा के दिखाऊं, ये देखो भाई डिजिटल स्पीड एंड सब कुछ आता है। यहाँ पर अपने को इसमें फ्यूल गेज, यहाँ पर टेम्परेचर गेज देखने को मिल जाता है। सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं भाई, सेंटर कंसोल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितना बढ़िया होने वाला है। यहाँ पर इतनी अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी खासी मतलब स्क्वायर तो नहीं रेक्टेंगल शेप की होने वाली है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, ब्लू लिंक सब कुछ है। तो नीचे साइड पर अपने को यहाँ पर भाई इसमें क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक वाला देखने को मिलता है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने को नॉर्मल वाले भी चार्जर देखने को मिल जाते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है विद रिवर्स गियर जो कि अपने को ऊपर यहाँ से इस जगह से इसको ये नीचे की साइड पर ये चीज़ है इसको पुल करेंगे एंड देन हम इंगेज कर सकते हैं अपने रिवर्स गियर। लेदर राइड अच्छी खासी यहाँ पर दी गई है एंड हैंड ब्रेक और यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट जो कि भाई ये होने वाला है अपना एयर प्योरीफायर। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भाई अपने को यहाँ पर इसमें अच्छे खासे अपने आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल वाला होने वाला है एंड स्टोरेज स्पेस भी कार के आर्मरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होने वाली है। यहाँ पर अपने को भाई इसमें अच्छे खासे SOS कंट्रोल, ब्लू लिंक का कंट्रोल एंड अच्छा खासा सारा सीन देखने को मिलता है। ये ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग वाला अपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो इधर वैनिटी किसी भी तरीके की प्लेस नहीं होने वाली है।
सनशेड होल्डर इस जगह पर प्लेस होने वाला है। एंड यहाँ पर अपने को इसमें माइक की प्लेसमेंट की करके दी गई है। सनरूफ के कंट्रोल इस जगह पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अपने को हैलोजन के अंदर इसके कैबिन लैंप फ्रंट साइड के देखने को मिल जाते हैं। इधर अपने को वैनिटी देखने को मिलती है। एल्यूमिनेशन इस जगह पर किसी भी तरीके की नहीं होने वाली है। तो डैशबोर्ड आप लोग चेकआउट कर सकें कितना ही बढ़िया अपने को इसके अंदर डैशबोर्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पर आए थे ग्लव बॉक्स की तरफ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स कार के अंदर देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेस के साथ। 1 लीटर की बोतल हम इसके अंदर रख सकते हैं इजीली, जो कि ठंडी हो जाएगी। तो अब दिखाता हूँ आप लोग को इसके अच्छे खासे प्राइजिंग क्या होने वाली है। प्राइजिंग वगैरह अगर जाना हो तो भाई यहाँ पर नीचे नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके गाड़ी के प्राइजिंग ले सकते हैं। एंड अच्छे खासे सीन सारा कुछ आप ले सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना आपको गाड़ी कैसी लगी। बाकी भाई जो इसकी अपनी हमने जो इसकी म्यूज़िक की डिटेल्स है, वो सारी की सारी आपको मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी।